इराक के मोसुल से करीब चार साल पहले अगवा 39 भारतीय जिंदा नहीं है। आईएसआईएस के आतंकियों ने सबकी हत्या कर दी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। हत्याएं कब हुई यह साफ नहीं है। शरीरों के अवशेष मोसुल के बदुश के एक टीले में सामूहिक कब्र से मिले। पहचान डीएनए टेस्ट से हुई। 38 के डीएनए सैंपल पूरे मैच हो गए जबकि एक का 70% मैच हुआ। यह लाग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। इनमें से 27 पंजाब, 6 बिहार, 4 हिमाचल और 2 पा बंगाल से थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के दुरुपयोग को रोकने को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। महाराष्ट्र के एक मामले में मंगलवार को फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी से पहले आरोपों की डीएसपी स्तर का अधिकारी शुरुआती जांच करेगा। इसमें आरोपों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर एससी एसटी एक्ट में शिकायत मिलने पर डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी शुरुआती जांच करेंगे। जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से ज्यादा समय तक न हो। डीएसपी प्रारंभिक जांच कर निष्कर्ष निकालेंगे कि शिकायत के अनुरूप क्या कोई मामला बनता है या फिर झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। सरकारी कर्मियों के लिए तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत से होगी। आम लोगों के लिए एक्ट के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी एसएसपी की इजाजत से होगी। गिरफ्तारी की अनुमति के लिए वजह दर्ज करना होगा। नीरव मोदी के बाद ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ी एक और कंपनी ने 14 सरकारी बैंकों के साथ 824.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर चेन्नई स्थित कनिष्क गोल्ड प्राली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को इसके प्रमोटर्स के दफ्तरों और घरों पर छापा भी मारा गया। कंपनी के मालिक और प्रमोटर डायरेक्टर भूपेश कुमार जैन और उसकी पत्नी नीता जैन है। माना जा रहा है कि यह लोग अभी मॉरिशस में हैं। बैंक की शिकायत के अनुसार कनिष्क कंपनी ऑल्ट 147 क्रिच ब्रांड नेम से ज्वेलरी मार्केटिंग करती थी। 2014 तक इसने डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ज्वेलरी बेची लेकिन 2015 में बड़े रिटेल ज्वेलर्स को सप्लाई शुरू कर दी। एसबीआई ने 2008 में आईसीआईसीआई से कंपनी का लोन अकाउंट टेक ओवर किया था। सिक्योरिटी के नाम पर बैंक के पास सिर्फ 156.65 करोड़ की संपत्ति है। आरोप है कि 2009 में लोन सुविधा हासिल करने के लिए कंपनी ने गलत दस्तावेजों का सहारा लिया। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने रिकॉर्ड में हेरफेर कर रातों रात दुकान बंद कर दी। 25 मई 2017 को जब बैंकर्स कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस में गए तो फैक्ट्री शोरूम बंद मिले। उसी दिन भूपेश जैन ने बैंकों को चिट्ठी लिखकर रिकॉर्ड में जालसाजी की बात मान ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक धार्मिक स्थल के पास हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई, 65 घायल हैं। यह हमला तब हुआ है जब पारसी समुदाय नया साल नवरोज मना रहा है। अफगान गृह मंत्रालय के अनुसार ब्लास्ट काबुल यूनिवर्सिटी और अली आबाद हॉस्पिटल के बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ है। इसी इलाके में अल्पसंख्यक शिया समुदाय का धार्मिक स्थल साखी श्राइन भी है जहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस श्राइन पर यह 7 साल में तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 2016 में हुए हमले में 14 लोग मारे गए थे। तब शिया लोग अशुरा त्योहार मना रहे थे। 2011 में यहां हुए हमले में 59 लोग मारे गए थे। देर हो गई, मैं चलूं?